आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी आशा वर्कर बहनें, आशा और आंगनवाड़ी वर्क बहनें, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आज तक कभी, आज जैसे आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप पंजाब के आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ मिल रही है, आपकी समस्याएं समझ रहे हैं, हम लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, कभी कांग्रेस सरकार ने आपसे बातचीत करी आज तक? कभी अकाली दल वालों ने आज तक बातचीत करी? पहली बार मुझे लगता है कोई ऐसी पार्टी है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स को बुला के, आमंत्रित करके इस तरह से बात कर रही है, मान और सम्मान दे रही है। तो चुनाव के पहले कर रहे हैं, यकीन रखना चुनाव के बाद भी सारे मसले हल करेंगे। मुझे पता चला जब पंजाब में कोरोना पीक पे था, उस वक्त आप लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के घर घर जाके लोगों की सेवा करी थी। जब कोई भी दूसरा सरकारी अफसर घर से बाहर निकलने में डर रहा था, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के घर जाने में डर रहा था, ऐसे वक्त में आप लोगों ने अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की सेवा की थी। मैं आप सब लोगों को सैल्यूट करता हूं। आप लोगों ने जिस तरह से पंजाब को कोरोना से बचाने में सेवा की, दिल्ली में भी हमारी आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जनता की खूब सेवा की, फ्रंटलाइन वर्कर बन के सेवा की, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, आशा वर्कर्स ने। तो दिल्ली सरकार ने, हमने ऐलान किया कि अगर कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर लोगों की सेवा करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम उनको 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को मरने के बाद सम्मान राशि देंगे। और ये हमने ऐलान नहीं किया, अभी तक मैं कई लोगों के घर जा के पर्सनली, जिनके घर में मौत हुई, पर्सनली उनके घर जाके 1-1 करोड़ के चेक दे के आया हूं, ताकि लोग और हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ आगे आके काम कर सके। आम आदमी पार्टी। पिछली बार जब हम पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़े थे, वहां भी मैंने ऐसे ही आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला के मीटिंग करी थी, उनकी सारी डिमांड समझी थी। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहले आशा वर्कर्स को वहां पे 1,500 रुपए फिक्स मंथली मिलता था और इंसेंटिव मिलते थे। हमने सब कुछ डबल कर दिया, फिक्स वाले भी डबल कर दिए, इंसेंटिव भी सारे डबल कर दिए। आज 3,000 रुपए फिक्स मिलते हैं और इंसेंटिव मिलते हैं, और नेट नेट लगभग हर आशा वर्कर 8,000 से 12,000 रुपए हर महीने अपने घर लेके जाती है। उसी तरह से हम लोगों ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को जितना मिलता था उसका हम लोगों ने डबल कर दिया। अभी आपके दोनों की मैंने डिमांड सुनी, जो आशा वर्कर्स हैं उनकी भी डिमांड सुनी कि हरियाणा मॉडल लागू होना चाहिए। आपको हरियाणा मॉडल पसंद है तो आपको हरियाणा मॉडल ही देंगे, चिंता मत करो। और आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी हमने डिमांड सुनी। मैं आज आपको भरोसा देके जा रहा हूं, गारंटी देके जा रहा हूं कि जो आपकी डिमांड्स हैं वो सारी डिमांड्स हम पूरी करेंगे सरकार बनने के बाद। तो हमारी सरकार मिलने के बाद हमारी सरकार बनने के बाद पानी की बौछारें नहीं मिलेंगी, प्यार की और पैसे की बौछारें मिलेंगी, आप चिंता मत करो। और yeah
और ये अभी आपने जो डिमांड रखी है ये हम मानेंगे, लागू करेंगे, लेकिन आज मैं ये कोई इतनी छोटी बात करने नहीं आया। आज मैं आप लोगों के साथ एक परमानेंट रिश्ता बनाने आया हूं, आपका भाई बनने के लिए आया हूं। अगर कल को कल को अगर मेरी किसी भी बहन के घर में किसी तरह की समस्या होगी, जिम्मेदारी हमारी है, उस समस्या का समाधान करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा काम होगा आपके एक 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 के घर की जिम्मेदारी लेना, और आपका काम होगा हमारे पूरे पंजाब की माँ बहनों की डिलीवरी अच्छे से कराना, उनके बच्चों की देखभाल करना, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो जिस तरह से हमारे बच्चों की देखभाल करती है, वो आप अच्छे से, आप अपना काम अच्छे से करो, आपका हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। वैसे आपकी डिमांड पूरी करने के पहले ही मैंने आपके परिवार की इनकम की बढ़ोतरी का इलाज कर दिया। हजार हजार रुपए अगर हर महिला के अकाउंट में जाने शुरू हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि हर परिवार में तीन चार हजार रुपए तो एक्स्ट्रा आमदनी शुरू हो जाएगी, है कि नहीं है? जब से मैंने ऐलान करा है ये इतनी गालियां काट रहे हैं मेरे को, ये कांग्रेस वाले अकाली दल वाले इतनी गालियां दे रहे हैं। एक इनका कांग्रेस का नेता बोला कि हजार हजार रुपए दोगे तो महिलाएं बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुम नहीं बिगड़े, तुम हजारों करोड़ रुपए डकार गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। हमारी गरीब महिलाओं के, माओं के, बहनों के, बेटियों के अकाउंट में हजार हजार जाएंगे तो वो बिगड़ेंगे नहीं, वो आशीर्वाद देंगी, और उनके आशीर्वाद से पंजाब की बरकत होगी, पंजाब के सरकार के खजाने की भी बरकत होगी। इसके अलावा दिल्ली में हमने इतनी सारी सहूलियत कर रखी है, हमने एक ही काम करा है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचने लगा, बिजली मुफ्त कर दी। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं होगा, आपके अगर यार दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में हो तो फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो। और यहां पे मैं कई लोगों से बात कर रहा था, किसी का 4,000 का, किसी का 5,000 का महीने का बिल आता है, किसी का 10,000 का, ये सारा बिजली का बिल आपका सबका जीरो हो जाएगा। आपके पुराने बिजली के बिल, जितने आपके पुराने बिजली के बिल चढ़े पड़े हैं, सारे बिजली के बिल माफ करेंगे। ये बहुत सारे बिजली के बिल फर्जी हैं, ये बना देते हैं किसी का 60,000 का बिल, फिर चक्कर काटते रहो बिजली दफ्तर के, फिर वो ठीक करने के पैसे लेते हैं, होता है कि नहीं होता है, जबरदस्ती पैसे लेते हैं। सब बंद करेंगे, ये सब ईमानदारी से काम करेंगे। दिल्ली में हमने पानी मुफ्त कर दिया, महिलाओं का बस का सफर मुफ्त कर दिया, स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, सरकारी स्कूल, सारी शिक्षा फ्री है। आज के जमाने में एक परिवार में अगर तीन बच्चे हों और प्राइवेट स्कूल में अगर आप भेजो तो 8-10 हजार रुपए महीने का खर्चा तो तीन बच्चों का आ जाता है। अगर सरकारी स्कूल फ्री हो गए और सारा फ्री है, सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, तो 10,000 रुपए महीना आपका स्कूलों का बच गया। फिर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, जैसे अभी भगवान जी ने बताया, अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, कैसी भी बीमारी होगी, छोटी से छोटी खांसी बुखार से लेके कैंसर तक, या जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, आपका पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार देती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक पैसा आपका नहीं लगता। तो ये सारी चीजें अपन दिल्ली में, पंजाब में भी करेंगे, अब पंजाब में भी ये सारी बातें करेंगे। अब आप लोगों से विनती है, हर आंगनवाड़ी वर्कर का एक एरिया होता है, हर आशा वर्कर का एक एरिया होता है। अब मेरे को बताया गया 25,000 शायद आशा वर्कर्स हैं और इतनी शायद आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं। आपकी जिम्मेदारी अब चुनाव तक अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी ले लो, एक 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 घर में जाना है, और एक 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 घर में जाके हर वोट
एक एक वोट, हर वोट झाड़ू पे पड़ना चाहिए इस बार। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसका कुछ प्लान बना लो कि पूरे पंजाब के अंदर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपका नेटवर्क है, ये मैसेज आप नीचे तक हर वर्कर तक कैसे पहुंचाओगे, ये प्लान बना लो। उसी तरह से आशा वर्कर्स का जो पूरा नेटवर्क है पूरे पंजाब का, ये नीचे तक हर आशा वर्कर तक ये मैसेज पहुंचाना है और उसकी मॉनिटरिंग करनी है। और एक एक आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ये इंश्योर करे कि अपने अपने इलाके में, अपने अपने क्षेत्र के अंदर हर घर का हर वोट आम आदमी पार्टी को डलवाना है। आप हर वोट डलवा दो, आपके सारे मसले हल करने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।